बीजेपी की रणनीति अगर बात की जाए तो देखिए लगातार बीजेपी रणनीति तो बना रही है, लेकिन बीजेपी की राजनीति के केंद्र में श्रीराम हमेशा से रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज में शक्ति प्रदर्शन कर रामराज का संदेश देने की कोशिश की। सीएम योगी ने दावा किया कि 2017 की तरह इस बार भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। संगम नगरी प्रयागराज में सीएम योगी ने सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2017 में 9 पर बीजेपी का कब्जा था। सीएम योगी ने रोड शो के दौरान फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। सपा के नेता, बसपा के नेता भी से विदेश की अपनी बुकिंग करा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। सुल्तानपुर में सीएम योगी की रैली में 5 बुलडोजर लोगों के आकर्षण के केंद्र रहे। इन बुलडोजर पर बाबा का बुलडोजर नाम के पोस्टर लगे थे। योगी की नजर जैसे ही बुलडोजर पर गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि 11 मार्च के बाद सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा में एक एक बुलडोजर भिजवा दूंगा। मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था यहाँ पीछे 4-4 बुलडोजर खड़े हैं। बीजेपी की राजनीति के केंद्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, इसलिए कल सीएम योगी ने अयोध्या में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला और हनुमान गढ़ी में दर्शन करने के बाद विधि विधान से पूजा किया और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। वहीं यूपी के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाराबंकी में रोड शो कर बीजेपी की बंपर जीत का दावा किया। ये जोश देखिए, ये देखिए नीचे जोश क्या है, ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। बाराबंकी की 6 सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 300 पार करके देंगे। सीएम योगी और बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि जनता का प्यार इस बार और ज्यादा बड़ी जीत दिलाएगा। वहीं अखिलेश दावा कर रहे हैं कि जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है, देखना होगा कि इस बार किसका काम बोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।